अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन सोमवार कैसा रहेगा, 6 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल। इस बुरज से मुंसलिक अफराद को पिछले दिनों के मुकाबले में आज काफ़ी बेहतर महसूस होगा। इसी तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात को भी बेहतर बना सकते हैं। कारोबारी लिहाज से आप यकीनी तौर पर सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। आप घर में रहते हुए आमदनी के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपने जज्बात का इजहार करने में काफ़ी आसानियां पैदा होंगी। इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार कर काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे जो कि आपको पुरसकून और जहनी दबाव से बाहर निकालने का भी सबब बनेगी। बुरज सौर। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मोहब्बत के मामलात में जो कि शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है तो आज भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के सियारे काफ़ी ख़ास पोजीशन में हैं जिनका असर यूं हो सकता है कि आप अपने फ़ैसलों पर गौर व फिक्र करने को तैयार हो जाएंगे और अहम फ़ैसलों को लेने से पहले बुज़ुर्गों से भी मशवरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेहत के हवाले से आपको जहनी तनाव का शिकार होना पड़ सकता है लेकिन आपको परेशान होने की बजाय इस आलमी वबा से खुद को महफूज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह आप खुद को भी पुरसकून महसूस करेंगे और अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार कर काफ़ी खुशी भी महसूस करेंगे। बुरज जौजा। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के कारोबारी मामलात फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। आलमी वबा जो कि अब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर चुकी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का कारोबार बंद पड़ा है। जज्बाती लिहाज से आज मजबूत बनने की कोशिश करें और जहां तक मुमकिन हो एहतियात बरतें। शादीशुदा अफराद के लिए एक साथ वक्त गुजारने के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है लेकिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को आज ख़ास तौर पर मोहतात किया जाता है कि बहस मुबासों से दूर रहें। दोस्तों के साथ समाजी तलुकात सिर्फ फ़ोन की हद तक ही रह सकेंगे। बुरज सरतान। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को यकीनी तौर पर काफ़ी बड़े मसलों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन हिम्मत और हौसले से इनका हल निकालना भी आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। आप आमदनी के नए तरीकों के बारे में सोचेंगे। इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि अपने साथियों के साथ मशवरा करें, इनसे आपको मजीद नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। निजी ज़िंदगी को लेकर इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी नाराज़गी को भूल कर नए सिरे से शुरुआत करेंगे। सेहत के हवाले से आप लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं लिहाजा एहतियात करने की भी ज़रूरत है। इस तरह आप खुद को और अपने घर वालों को महफूज रख सकते हैं। बुरज असद। इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने तलुकात से काफ़ी ज़्यादा उकता सकते हैं और यही वजह है कि तख्लीकी सलाहियतें भी ज़्यादा काम नहीं आएंगी। अगर आप अपने पूरे एतमाद के साथ मकासद की जानिब फोकस करते हैं तो बाकी लोग भी आपके मामलों को संजीदा लेंगे।
मोहब्बत के मामलात में साथी की जानिब से आप पर भरोसा किया जा रहा है। सेहत के हवाले से आज आपको खास तौर पर परेशानी हो सकती है, लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अपना और अपने घर वालों की सेहत का खास ख्याल रखें। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। बुरज सुंबला। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद मोहब्बत के मामला को लेकर काफी ज्यादा पुरजोश होंगे। अपनी जिंदगी के दिलचस्प नजरियात और तजर्बात को अपने साथी के सामने रखें। सेहत के हवाले से आप यकीनन खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन हालात में आपको ना सिर्फ कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखना है, बल्कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके अपने साथ अपनी तन्हाई से भी लड़ना है। दोस्तों और खानदान वालों के साथ ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन की हद तक रह जाएंगे। बुरज मिजान। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने खानदान वालों के साथ आम दिनों से ज्यादा ताल्लुकात को फरोग देंगे। काफी दिनों से घर में रहने और कारोबार के बंद होने की वजह से जो इस्तराब और परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, वो एक किस्म की आप जंग लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। आप वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगे। सेहत के हवाले से वैसे तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन एहतियात करने का मशवरा दिया जाता है। आपको खास तौर पर अपने घर वालों की सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। बुरज अकरब। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद मुसलसल घर में रहने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कट जाने की वजह से खुद को अकेला और बेबस महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के दिन आप काफी ज्यादा परेशानी और उदास हो सकते हैं। वो अफराद जो कि शादीशुदा है, अपने बच्चों के तल्लुकात के बारे में बेहतर सोचेंगे और तरबियत के मामलों को फरोग देंगे। बच्चों की तरबियत किन अहम बातों पर करनी है, उन पर आज आप गौर फिक्र करेंगे। माली लिहाज से आपको नाखुशगवार तजर्बात का सामना करना पड़ेगा। मोहब्बत के मामलों में आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने तल्लुकात में ईमानदारी और मुखलस रहें। ऐसा करके आप खुद को और दूसरों को धोखे में नहीं रखेंगे। बुरज कौस। इस बुरज से मुंसलिक अफराद का आज का दिन मामूल से ज्यादा अपने इर्द गिर्द के हालात पर गौर फिक्र करने में लगा रहेगा और घर में बैठे हुए आपको आमदनी में इजाफा करने के लिए नए आइडियाज की तलाश में लगे रहने का मशवरा दिया जाता है। आप सही सिम्मत में आगे बढ़ रहे हैं। इन दिनों पूरी दुनिया में कारोबारी मामलात बंद हैं, तो इस वक्त अपने कारोबार के लिए नए मंसूबे बनाना आपके लिए काफी कारामद साबित हो सकते हैं। अल्लाह ताला से तौबा करते रहें और अस्तगफार करते रहें। सेहत के हवाले से आपको खाने पीने के मामलों में तवाजन को कायम करने का मशवरा दिया जाता है। थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। बुरज जद्दी। माली लिहाज से आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। कहीं भी सरमायाकारी करना आपके लिए मनफी हालात लाएगा, जो कि मुल्की और गैर मुल्की हालात अभी बदतर हैं। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अपने माल को महफूज रखें। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले अफराद के लिए आज रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने मामलों में सब्र व तहम्मल से काम लेने का मशवरा दिया जाता है।
सेहत के हवाले से ब्लड प्रेशर और बुखार जैसे मामलात सामने आ सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और कोरोना वायरस को लेकर आज आप ख़ास इकदामात करेंगे, जिससे आप अपना और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे। बुरज दिलू, इस बुरज से मुंसलिक अफराद मोहब्बत के मामलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होंगे। वो अफराद जो कि शादीशुदा हैं, इनके दरमियान खट्टी मीठी जंग चलती रहेगी। लेकिन वो अफराद जो कि अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो उनको अभी मज़ीद शादी के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको माली लिहाज से आज कोई खुशखबरी मिल सकती है, लिहाजा आपको अपनी हदूद में रहकर काम करने का मशवरा दिया जाता है। आपकी कामयाबियों में भी काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं। पुरसकून रहें और अपनी सरमायाकारी का सही इस्तेमाल करें। बुरज हौद, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को शरीकों की तरफ से भड़काना काफी नुकसान का बाएगा। बुरज हौद, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि कारोबार के मामलों में अपनी जुबान पर काबू रखें, सब्र व तहम्मल से काम लें, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के मामले में भी लापरवाही से काम ना लें, वरना हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। निजी ज़िंदगी के हवाले से आपके और साथी के दरमियान काफ़ी बहस मुबासे हो सकते हैं, लिहाजा जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। दूसरों पर तनकीद करने से पहले आपको खुद अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। इस वक्त का सही इस्तेमाल करके आप यकीनी तौर पर अपने मिजाज और ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना बहुत से मामलों को बिगाड़ देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नए आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।